तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले जा रहे हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसका थर्ड लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे। तो बात क्या है ना, बात ये है कि हम लोग लेक्चर वन लेक्चर टू मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख लेना वीडियो को मेरा, फाइन। और आप लोग लेक्चर वन लेक्चर सर लेक्चर वन को ना देखो तो ठीक है चलेगा, लेकिन लेक्चर टू को देख के आप लोगों को लेक्चर थ्री पे आना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर टू में क्या है कि मैं आपको वेवलेंथ के बारे में समझाया हूँ मैं आपको, और आपको मैं पढ़ाया हूँ फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ाया हूँ, वेव नंबर के बारे में पढ़ाया हूँ, जो जो भी मैं आपको पढ़ाया हूँ। बात क्या है ना, अगर आप लोग लेक्चर टू में जो फ्रिक्वेंसी वाली बात है, जो वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आप लोग उसको याद नहीं रखोगे, नहीं समझोगे, तो आपको लेक्चर थ्री में बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो मेरे बात को, और आप लोगों को पढ़ के आना है, थोड़ा अच्छे से पढ़ के जो लेक्चर टू का आना है। अगर लेक्चर टू को आप लोग अगर अच्छे से पढ़े हो तो लेक्चर थ्री भी क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर लेक्चर टू को आप लोग बस देखे से छोड़ दिए हो, थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है आपको, थोड़ा बहुत मतलब अच्छे से आइडिया हाँ नहीं हो, तो आप लोगों को लेक्चर थ्री बहुत दिक्कत होगा समझने में। तो और थोड़ा टाइम लॉस ना करके हम लोग बात को स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ने को जा रहे हैं। और क्या बात है, मतलब हमेशा खुश रहना, और कुछ बात नहीं है, ऐसे ही बात है, और क्या बात है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेक्चर थ्री को स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो लेक्चर थ्री में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, सबसे पहली बात हम लोगों को ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। किसको? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, ठीक है। तो उसे पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज आपको समझाना जा रहा हूँ, बोलूंगा आपको। आप लोग कभी कोई एक सब्सटेंस ग्लो करते हुए आप लोग देखे हो क्या, मतलब हीट की वजह से ग्लो करते हुए, जैसे कोल वगैरह होता है या फिर जो हीटर होता था, अभी तो इंडक्शन कूलर यूज करते हैं, उससे पहले अगर आप लोग देखे होंगे कि अगर मैं बोलूँ वो 15 साल पहले जो जनरली जो घर पे यूज करते थे, 10-15 साल पहले, अभी भी कुछ घर पे यूज होता है आप लोग देखे हो, तो क्या होता है ना, वो ग्लो करते हैं, रेड कलर के ग्लो करते हैं। तो वो सब क्या होते हैं ना, हीट को ट्रांसमिट करते हैं, हीट को एमिट करते हैं, उस सब हीट को एमिट करते हैं। तो बात को थोड़ा समझना, बात क्या है ना, कुछ चीज होते हैं बहुत जल्द ग्लो, मतलब बहुत जल्द ग्लो करेंगे, ज्यादा ग्लो करेंगे, मतलब उनका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा ब्राइटनेस फॉर्मेशन होता है। और कुछ चीज का क्या होता है ना, इंटेंसिटी कम रहता है, इतना ग्लो नहीं करते हैं। अगर आप लोग बोलोगे जो होता है कोल होता है, आप लोग देखिए हो कोल को, कोल में क्या होता है ना, इतना इतना अच्छे से ग्लो नहीं करेगा, बहुत कम ग्लो करता है। चलिए ठीक है, सबसे सिंपल सी बात यह है कि मैं कुछ नहीं, सिंपल सी बात यह है कि मैं आपको हेडिंग देने जा रहा हूँ कि क्या होता है एक्चुअली ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखिए, हर एक मटेरियल के क्या होता है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हर एक मटेरियल का क्या होता है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है, कौन बहुत ज्यादा ग्लो करेगा, कौन कम ग्लो करेगा, कौन बहुत ऐसे होते हैं जो कम टेम्परेचर में ज्यादा ग्लो करते हैं, कुछ होते हैं ग्लो कम करते हैं, कुछ होते हैं ग्लो कम करते हैं, लेकिन क्या होते हैं ना, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि इनकैंडेशन बल्ब होते हैं। अभी तो सब सीएलएफ या फिर एलईडी बल्ब यूज करते हैं, जो पहले जमाने जो जो यूज करते हैं, जो फिलामेंट था, आपने देखे होंगे फिलामेंट, ऐसे ऐसे फिलामेंट होते हैं ना, ऐसे ऐसे फिलामेंट होते हैं, ऐसे फिलामेंट था ना ये, तो ये सब क्या करते थे ना, बहुत जल्द ग्लो करेंगे, और जल्द ग्लो करेंगे लेकिन इनका इंटेंसिटी कम था और हीट ज्यादा प्रोड्यूस करते थे ये लोग। तो चलते हैं, बात क्या है, सबसे सिंपल सी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, आयरन के बारे में बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना बात पे। आयरन, आयरन को क्या करोगे, जो आप लोग बहुत हीट करोगे, बहुत हीट करोगे, तो ये क्या होता है ना, पहले रेड कलर का लेड कलर लाइट बनाएगा, फर्दर इसको हीट करोगे तो ये थोड़ा रेडिश ऑरेंज होता है, मतलब ऑरेंज कलर का बनेगा। अगर फर्दर आप लोग उसको हीट करोगे, रेड कलर को बनने के बाद फर्दर अगर आप लोग उसको हीट कर रहे हो, तो फिर यार ये क्या बनाएगा ना, ये बना लेता है, क्या बना लेता है ना, ब्लू कलर का बना लेता है। आप लोग घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप लोग चाहे तो यूट्यूब में किस कहाँ पे एक्सपेरिमेंट को आप लोग देख सकते हो, घर पे अगर आप लोग बोलोगे सर मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है, तो नहीं कर पाएगा तू, समझे ना बात को। फिर क्या है कि अगर आप लोग फर्दर ब्लू को हीट करोगे, ब्लू को अगर हीट कर रहे हो, तो ये क्या बनाएगा ना, व्हाइट कलर फॉर्मेशन करेगा, ये व्हाइट कलर फॉर्मेशन करता है। तो आप लोग क्या, बात क्या है ना, जो रेड कलर होता है इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, वेवलेंथ इसका लामड़ा क्या होता है ना, बहुत कम होता है, वेवलेंथ कम है, मतलब एनर्जी भी, सॉरी 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 गलती हो गया, सॉरी, वेवलेंथ इसका क्या है ना, ज्यादा है, इसका वेवलेंथ क्या है ना, ज्यादा है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए इसमें क्या होता है ना, एनर्जी इसमें क्या होता है ना, कम प्रोड्यूस होता है, इसमें इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। अगर फिर ब्लू आएगा, उसका वेवलेंथ उससे कम होता है, उसका वेवलेंथ उससे कम होता है, मतलब फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगा, मतलब क्या होगा कि एनर्जी ज्यादा मिलेगा, व्हाइट में ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होता है। अगर आप लोग देखियो कोई एक चीज, अगर बहुत ऐसी चीज होता है ना जिसको अगर आप लोग हीट कर रहे, तो पहले वो रेड कलर का लाइट देते हैं, रेड कलर का लाइट क्यों देते हैं, क्योंकि रेड कलर का एनर्जी कम होता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। तो
ब्लैक बोर्ड एक चीज होता क्या है, ध्यान देना बात पे। ब्लैक बोर्ड देखो, हर एक चीज का ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टी होता है। सबके लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो फिर कैसे फॉर्मूला निकालेंगे? तो एक कॉमनली कोई एक मॉडल बना के हम लोग निकालते हैं। बात क्या है ना, एक ब्लैक बॉडी क्या होता है ना, परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है ना, ये क्या करेगा ना, हीट को, अगर आप लोग इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, हीट को ये ऑब्जर्व भी करता है, हीट को ये ऑब्जर्व करता है, फिर क्या करता है ना, ये ट्रांसमिट भी करता है, ये एमिट भी करता है, एमिटेड भी करता है। हीट ऑब्जर्व होते हैं और एमिटेड भी होते हैं, हीट एमिटेड भी होते हैं, हीट एमिट भी कर देते हैं। हीट को ऑब्जर्व करेगा और एमिट भी करता है हीट को। और ये क्या होता है ना, सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग के साथ क्या होगा ना, ये केमिकल थर्मोडाइन केमिकल केमिकली सॉरी 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 एक सॉरी यहाँ पे गलती हो गया मेरा। ओहो, केमिकली क्या होते हैं यार, इरेजर आ तो आए क्या, इरेजर नहीं आ रहा है। अच्छा, इरेजर, हाँ अभी अभी इरेजर आया, अभी इरेजर आया। ठीक है, देखिए तो क्या होता है, क्या बोलता था मैं आपको, हाँ ये सराउंडिंग के साथ क्या होते हैं ना, ये थर्मल इक्विलिब्रियम रहते हैं, याद रखना इस बात को, याद रखना, ये क्या होते हैं ना, ये थर्मल इक्विलिब्रियम रहते हैं, ये इक्विलिब्रियम रहते हैं, इक्विलिब्रियम रहते हैं, मतलब जितना हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा उतना क्या करते हैं, एमिट कर लेते हैं, जितना हीट एनर्जी ऑब्जर्व। तो देखिए ये किसके लिए पॉसिबल होगा ना, एक आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी। ये दुनिया में ऐसे बहुत, मतलब परफेक्ट ब्लैक बोर्ड नहीं होता है, परफेक्टली कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जो कि किसी भी इंटेंसिटी का, किसी भी फ्रीक्वेंसी का लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा या फिर किसी भी इंटेंसिटी का लाइट को एमिट कर देगा। ऐसे कोई परफेक्टली ब्लैक बोर्ड नहीं होते हैं, बात समझिए आप लोग। तो आइडियल चीज जो होता है, आइडियल ब्लैक बोर्ड, देखिए आइडियल जो बात होते हैं ना, आइडियल चीज कभी एग्जिस्ट नहीं करती। क्या होते हैं, कुछ में आइडियल होते हैं, अगर आप लोग बोलोगे कुछ की, मैं आपको बोलूंगा आइडियल डाइपोल मोमेंट, आप लोग पढ़े हो आइडियल डाइपोल मोमेंट जो होते हैं, या फिर जो होते हैं आइडियल गैस वगैरह होते हैं, तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कोई कंडीशन में एग्जिस्ट करेंगे। तो परफेक्टली आइडियल चीज का नाम कोई दुनिया में नहीं होता। अगर आप लोग बोलोगे कोई एक आइडियल स्टूडेंट है, ठीक है वो एक आइडियल स्टूडेंट है, या फिर वो एक आइडियल टीचर है, तो जो आइडियल स्टूडेंट आइडियल टीचर वाली जो बात होता है ना, एक कंप्लीटली कभी एग्जिस्ट नहीं करता। आइडियल मतलब आप पढ़े हो, आप लोग ऐसे लिखे होंगे कि इतने सारे कैरेक्टर्स होने से वो एक आइडियल स्टूडेंट बनेगा, या फिर इतने सारे कैरेक्टर होने से वो क्या बनता है ना, एक आइडियल टीचर बनता है। तो सर परफेक्टली आइडियल नाम का कोई चीज होता नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, समझे बात। परफेक्टली आइडियल टीचर या फिर आइडियल स्टूडेंट कभी एग्जिस्ट नहीं करते। आप लोग थोड़ा गुस्से मत हो ना कि जो अगर टीचर वीडियो देख रहे हो मेरा या फिर स्टूडेंट देख रहे हो। हाँ रियली वही होता है कि हर एक अच्छी चीज में कुछ बुराई होता है। हाँ तो चलिए ठीक है, बात क्या है ना, एक हम लोग एक आइडियल बॉडी को मानते हैं, एक आइडियल बॉडी, एक आइडियली ब्लैक बॉडी है जो कि क्या किया कि हर एक लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, एमिटेड भी कर रहा है। तो ऐसे एक थर्मल, ऐसे एक हम लोग, ये क्या है, थर्मली इक्विलिब्रियम है ये सराउंडिंग के साथ। सराउंडिंग के साथ मतलब जहां से वो हीट को ले रहा है, हीट को छोड़ रहा है, वहां से क्या है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो सिंपल सी भाषा में बोला जाए, सिंपल सी भाषा में क्या है, सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है, उसी के ऊपर आप लोग कोई भी इंसिडेंट एमिट करो, सॉरी इंसिडेंट करो, वो सारे के सारे लाइट को क्या होगा, ऑब्जर्व कर लेगा। और हर एक चीज को, हर एक लाइट क्या करता है, हर एक इंटेंसिटी का, फ्रिक्वेंसी का लाइट को क्या करेगा ना, एमिट करेगा। तो ऐसे कोई ब्लैक बॉडी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब ये है कि ब्लैक बॉडी क्या है कि परफेक्टली, अगर किसको बोला जा रहा है कि मान लीजिए तुम किसे बोल रहे हो कि तू एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, हाँ तो ये क्या होगा कि ना कंप्लीटली हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। मतलब आप लोग चाहे कोई भी लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करो, वो क्या करेगा ना, ऑब्जर्व करके रख लेगा, समझे ना, कोई भी लाइट को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व करके रख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसे क्या है ना, आप लोग समझ में आ रहा होगा ब्लैक बॉडी क्या होता है, ऐसे याद रखना ना इसको, इतना भी जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, नहीं मैं बोल रहा हूँ तो जरूरी है, ये मत बोलना कि सर बोल रहे थे जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी है ये। बात क्या है कि आप लोग याद रखना कि ब्लैक बॉडी क्या होता है ना, कोई भी एक ऐसे ब्लैक बॉडी ऑब्जेक्ट है जो कि भी किसी को भी ऑब्जर्व करना होगा। चलिए नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग क्या है कि इसको लेकर थोड़ा ग्राफ को ड्रॉ किया गया है। ग्राफ को ग्राफ क्या आ रहा है, देखिए अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी के, अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को लिया जाए और यहाँ पे अगर स्पेक्ट्रल लाइंस को लिया जाए, सिंपल से अगर आप लोग हीट बोल सकते हो, हीट एनर्जी अगर बोलोगे अभी तो भी लगभग सही हो जाएगा। क्या है कि ये एक ग्राफ ऐसे आएगा, इतना थोड़ा अच्छा नहीं डायग्राम बन रहा है मेरा, ऐसे आएगा ये,
और ये मान लो कोई एक ग्राफ इससे आ रहा है, इससे आ रहा है ग्राफ आ रहा है, देखिए मान लीजिए ये क्या है हीट एनर्जी, ये 3000 मान लीजिए केल्विन के लिए, और ये मान लीजिए 4000 केल्विन के लिए, और ये मान लीजिए 5000 केल्विन के लिए, इसे होता है क्या है ना, जिससे आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो फिर क्या होगा ना, इसका हीट एनर्जी भी जो होता है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसका हीट एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात। अच्छा ये है क्या है ना, मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से, मॉडर्न मैकेनिक्स, अगर आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से कंसिडर करोगे तो उसमें क्या होता है ना, कोई एक ग्राफ लाइन इससे आ रहा था, थोड़ा मैं थोड़ा इसको थोड़ा खूबसूरत बना के ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे लाइन आ रहा है, तो यार ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसमें क्या कैसे कॉन्सेप्ट उसे मान के चल रहे थे हो, ये क्या था ना, एक क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोला था ना, एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट बोल दिया था, मतलब जो जो कॉन्सेप्ट बोला था उसको इतना कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाया कॉन्सेप्ट को। आप देखिए इसका इसका बोलने का मतलब क्या है, कि अगर आप लोग कोई भी एक सब्सटेंस को अगर आप लोग क्या कर रहे हो ना, 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हो, 0 केल्विन से क्या है, ज्यादा टेम्परेचर है, तो ये बोल रहा था कि उसका देखो यहाँ पे कहाँ पे तो इंटरसेक्ट नहीं किया, से बढ़ के जा रहा है ना, मतलब इन्फिनिट एनर्जी मिलेगा आपको, ये था इसका ड्रॉबैक था क्लासिकल मैकेनिक्स का इस ग्राफ में, तो ये इसको इतना कंसिडर नहीं किए थे, फिर मॉडर्न मैकेनिक्स के हिसाब से या फिर जो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से इसका थ्योरी आया, इसे ग्राफ आया था, फिर इससे तो क्वांटम दुनिया स्टार्ट हुआ था, इसके लिए मैंने अलग सा वीडियो बनाया है, अगर आप लोग चाहते तो देख सकते हो। तो बात क्या है देखिए, तो जिससे आप लोग टेम्परेचर को राइज करते चलोगे तो हीट एनर्जी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ब्लैक बॉडी आपको समझ में आया कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो कि किसी भी फ्रिक्वेंसी का किसी भी इंटेंसिटी का लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा, कंप्लीटली ऑब्जर्व करता है, कंप्लीटली एमिट करता है। तो लैम्प लैम्प का जो ब्लैक होता है उसको आप लोग समहट मान सकते हो कि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, लेकिन एकदम पूरा परफेक्टली ब्लैक बॉडी से कोई दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, समझिए बात। चलिए आगे क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, आगे मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा कि पढ़ाऊंगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाऊंगा, आगे देखते आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो इस पर जो मैं बना लेता हूँ, चलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो होता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ऐसे ही है ऐसे ही है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखिए। हाँ ये मत बोलना कि सर आपका लाइन सही नहीं हो रहा है, पता है मेरे को मेरा लाइन सही नहीं हो रहा है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है देखिए, समझिए बात को, इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है देखिए, इस थ्योरी ने क्या बोले थे, जो हमारे पास जो एनर्जी आता है, अगर अभी आप जो पढ़ रहे हो, बात समझे ना, मान लिया मोबाइल में पढ़ रहे हो या फिर लैपटॉप में मेरे वीडियो पढ़ रहे हो, तो वहां से लाइट एनर्जी आ रहा है, आ रहा है, आप लोग उस लाइट एनर्जी को देख रहे हो, या फिर अभी अगर आपके घर पे बल्ब ऑन हुआ है तो लाइट एनर्जी दे रहा है, या फिर हीट एनर्जी आप लोग बोल सकते हो, कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, अपने आपके जो फोन है या फिर आपका जो लैपटॉप है वो गर्म हो जाएगा ना बहुत टाइम वीडियो चलने के बाद। तो ये क्या बोले थे, जब कोई एक एनर्जी एमिट होता है कोई ऑब्जेक्ट से, बात समझे आप लोग, जब एनर्जी एमिट होता है कोई ऑब्जेक्ट से या फिर क्या होगा ना, एनर्जी ऑब्जर्व होगा, कैसे होता है ना, स्मॉल पैकेट के फॉर्म में होता है, स्मॉल पैकेट मतलब आप लोग ये मत सोचो कि सर वो पार्ले जी बिस्कुट से दिख रहा होगा क्या, क्या फिर वो क्या टाइगर बिस्कुट से दिख रहा होगा, नहीं उसे पैकेट छोटे छोटे पार्ट में टुकड़े में डिवाइड होते हैं। अरे यार तू तो देख पाएगा ना, है नहीं, तुम तो देख पाओगे ना, जो ये जो पार्ले जी बिस्कुट को या फिर टाइगर बिस्कुट को या फिर और कैसे बिस्कुट है मेरे को पता नहीं, है नहीं, तो उसके से पैकेट नहीं, समझ बात को, तो पैकेट का मतलब क्या होता है ना, स्मॉल पैकेट होता है जो बहुत छोटी छोटी चीज में डिवाइड होते हैं, टुकड़े में डिवाइड होते हैं, जो कि आपके आई उसे डिटेक्ट कर नहीं पाएगा, बहुत छोटी चीज होता है। तो जब भी कोई एक सिस्टम से जब भी कोई एक सोर्स से एनर्जी क्या हो रहा है ना, रिलीज हो रहा हो या फिर क्या हो रहा हो, एमिट हो रहा हो, तो फिर क्या होगा ना, वो क्या होता है ना, स्मॉल पैकेट के फॉर्म में एमिट होते हैं, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में एमिट होते हैं, कैसे एमिट होंगे, डिस्कॉन्टिन्यूसली, डिस्कॉन्टिन्यूसली मतलब आपको लग रहा होगा कि हाँ, अगर आप लोग क्या कह रहे हो कि जो गैस के जो बर्नर है जो ब्लू कलर के बर्न होता है, अगर उसमें अगर आप लोग ऐसे हाथ दिखा रहे हो तो आपको लगेगा कि अरे हाँ, मेरे को मास्टर जी ने तो बोला था कि एनर्जी हमको डिस्कंटिन्यूसली मिल रहा है, क्योंकि यार तो मेरे को तो कॉन्स्टेंटली गर्म लग रहा है ना। अरे ठीक है, तुझे लग रहा है कि तुझे कॉन्टिन्यूसली एनर्जी मिल रहा है, लेकिन तुझे जो लगेगा वो तो सही नहीं ना, हाँ नहीं बात को, आपको जो लगता है वो समझ सही होगा, ऐसे तो कहाँ पे लिखा है, ऐसे तो नहीं लिखा है। तो क्या होता है कि डिस्कंटिन्यूसली तुझे एनर्जी मिल रहा है, डिस्कंटिन्यूसली तुझे एनर्जी मिल रहा है, लेकिन हम उसको सेंस नहीं कर पा रहे, फील नहीं कर पा रहे, डिस्कंटिन्यूसली एनर्जी मिलेगा। अगर तुम अगर गैस के बर्नर के ऊपर अगर तुम हाथ रखोगे तो तुम्हें हीट एनर्जी प्रोवाइड मिलेगा, तो कंटिन्यूसली नहीं मिल रहा है तुम लोगों को, डिस्कंटिन्यूसली मिल रहा है। तो चलिए जो भी जो ये जो छोटा छोटा
टुकड़े होते हैं, जो पैकेट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं ना, क्वांटा बोलते हैं। याद रखोगे आप लोग, याद रखोगे ना आप लोग, क्या बोलोगे उसको? सॉरी, क्वांटम लिख रहा हूँ, क्या हुआ है आज, क्वांटा। क्या लिखोगे उसको? क्वांटा लिखोगे आप लोग, क्वांटा लिखते हैं उसको, बोलते हैं क्वांटा के हुए हैं। तो स्मॉल पैकेट के फॉर्म में जब आपको एनर्जी मिलेगा, उसको आप लोग क्या बोलोगे? क्वांटा बोलोगे। ठीक है, मैं आपको बोला था लास्ट लास्ट क्लास में, आपको लास्ट लेक्चर में आपको बोला था, लाइट क्या एक ब्रांड है, खुद का पहचान है उसका, वो एक ब्रांड है। तो उसके लिए जो एनर्जी, उसके लिए जो जो स्मॉल पैकेट होते हैं, उसको बोलते हैं फोटोन्स बोलते हैं। अभी तो दुखी नहीं है, क्या बोलते हैं उसको? फोटोन्स बोलते हैं। तो अगर कहां पे नहीं, अगर कोई भी लाइट को छोड़ के अगर कोई भी फॉर्म में अगर एनर्जी मिल रहा है, हीट एनर्जी हो और क्या क्या, विंड एनर्जी वगैरह, क्या क्या सब एनर्जी होते हैं, मेरे को पता है, तुम्हें पता है ना, चलो अच्छे बच्चे हो तुम, मान लिया। तो ये क्या होता है ना, स्मॉल पैकेट के फॉर्म में जो एनर्जी मिलेगा, उसको आप लोग बोलोगे क्वांटा बोलोगे। लेकिन लाइट के केस में आप लोग उसे क्या बोलोगे ना, लाइट के केस में आप लोग उसे क्या बोलोगे ना, फोटोन बोलोगे। ठीक है, अच्छा, फोटोन। और एक बात क्या बोले थे प्लैंक जी ने, और एक क्या बोले थे, जब भी क्या होता है ना, एनर्जी क्या होता है ना, अब्जॉर्ब होता है और क्या होता है, एमिट होता है। जब एनर्जी क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा या एमिट, सॉरी 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 सॉरी, जो एनर्जी होता है वो क्या होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी के साथ। सेकेंड पॉइंट में ये है हमारा, फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बोला यहाँ पे स्मॉल पैकेट में एमिट होगा, चाहे अब्जॉर्ब एमिट हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या, जो एनर्जी होता है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के साथ। मतलब क्या है, मैं आपको बोला था प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो इससे मैं ये लिख पाऊंगा, जो ई होता है वो क्या बनेगा, एच न्यू होता है। प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हम लोग क्या किए ना, एक कॉन्स्टांट को मल्टीप्लाई किए, और उस कॉन्स्टांट को आप लोग क्या बोलोगे, खुश होके बोलोगे कि एच क्या है ना, प्लैंक्स कॉन्स्टांट है। क्या है ये? प्लैंक्स कॉन्स्टांट। अरे भाई, इसको डिस्कवर कौन किए थे? प्लैंक डिस्कवर किए थे ना, तो उनके ही नाम पे रखे गए। मान लो तुम लोग कल सुबह, मान लो तुम लोग कोई डिस्कवर कर लिए कुछ, तो तुम लोग और किसके नाम पे ले आओगे क्या? नहीं ना, तुम्हारे नाम पे रखोगे। तो इसको क्या बोलते हैं ना, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट बोलते हैं। वैल्यू कितना है उसका, 6.625 × 10⁻³⁴ जूल × सेकेंड। याद रहेगा बात? नहीं याद रहेगा? नहीं याद रखना है तुम्हें, ये वाली बात याद रखना है। साइंस पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये वाला चैप्टर आएगा, तो वैल्यू को याद रखना पड़ेगा, 6.625 × 10⁻³⁴ जूल × सेकेंड। होगी बात? चलिए, यहां से अगर मैं आपको बोलूं E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लंबड़ा, तो तुम लोग दुखी हो जाओगे क्या? तुम लोग दुखी हो जाओगे क्या? दुखी नहीं होगे। ये मत सोचना कि अरे ये मास्टर कहाँ से लाया, एच न्यू के बदले सी अपॉन लंबड़ा कहाँ से लाया। नहीं, अरे मैं आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास, लंबड़ा इंटू अगर न्यू कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी क्या है? सी पर क्या, कैट? नहीं, कैट सी पर क्या है, वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी? लाइट का वेलोसिटी। हाँ, लाइट के वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? ना ब्रांड है वो, क्या है वो? ब्रांड है वो, ब्रांड का अपनी पहचान होता है। तो फिर लाइट के वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो न्यू के बदले मैंने क्या लिखा, सी अपॉन लामड़ा लिखा। तो ये वाली बात होता है, होगी बात, समझे बात को? तो इससे ना एक बात क्या बनता है, लिखिए बात को, ये पे एक टर्म आता है, जो फोटोन होता है उसका एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज, उसका एनर्जी क्या होता है ना, एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड होता है, समझे बात को? क्या होता है ना, क्वांटाइज होता है। फिर आप बोलोगे सर ये वाली बात क्या आ रहा है, क्वांटा तो आप लोग कुछ बोले थे और अभी भी बोले थे क्वांटम केमिस्ट्री के ऊपर कुछ वीडियो बना रहे हैं, और अभी भी बोल रहे हैं क्वांटाइज्ड क्या है, पूछोगे ना आप लोग क्वांटाइज्ड क्या होता है? देखिए बात समझो, मान लो ये कोई एक स्टेयर है, देखो ये कोई एक स्टेयर है, ये कोई एक स्टेयर है, ये कोई स्टेयर है, इस जा रहा है, और हर एक स्टेयर में 1 फीट का गैप रह रहा है। ये 1 फीट है, ये 1 फीट है, ये 1 फीट है, 1 फीट है। देखो बात, ये मान लो ग्राउंड है, ये 1 फीट है, 1 फीट के ऊपर मतलब आप लोग यहाँ पे खड़े रहोगे, 2 फीट के मतलब यहाँ पे खड़े रहोगे। और मान लो ये कहीं पे क्या है कि कोई एक स्लाइड है, ये ऐसे कोई एक स्लाइड है, मतलब नीचे की ओर रास्ता जा रहा है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे टेम्पल्स उसे होते हैं ना, जिसमें कि दो रास्ते होते हैं, एक तो आप लोग स्टेयर से जा रहे हो, सीढ़ी से जा सकते हो, या फिर क्या होगा, आप लोग स्लाइड से जा सकते हो, ऐसे होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं अरे तू जा 3 फुट ऊपर खड़ा रहा स्टेयर के ऊपर, तो तुम क्या होगे ना, यहाँ पे तो ग्राउंड है, यहाँ से आप लोग यहाँ पे गए,
1 फीट, यहां से आप लोग यहां पे गए 2 फीट, यहां से आप लोग यहां पे गए 3 फीट गए। अगर मैं तुझे बोलूंगा कि तू जा 2.5 फीट के ऊपर खड़ा रहे, तो तुम क्या सोचोगे, अरे मास्टर पागल होगा? हाँ या ना? क्योंकि यार ये तो क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है ना, 2 फीट बन रहा है, ये क्या बन रहा है ना, 3 फीट बन रहा है। तो आइदर आइदर क्या होगा कि आप लोग 2 फीट पे जा सकते हो, या फिर आप लोग क्या होगा कि 3 फीट पे जा सकते हो, लेकिन आप लोग कभी 2.5 फीट पे जा पाओगे नहीं ना। तो यहाँ पे क्या होल नंबर आ रहा है, समझे बात को? अगर मैं अपनी स्लाइडिंग बोलू, स्लाइडिंग अगर मान लो ये ग्राउंड है, अरे ये ग्राउंड है, तो 1 फीट पे जा, मैं बोलूंगा तुम जाओगे, मैं बोलूंगा 1.5 फीट जा तुम जाओगे, मैं बोलूंगा 1.3 जा तुम जाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, कोई होल नंबर नहीं आ रहा, यहाँ पे आप लोग कुछ भी नंबर ले सकते हो। तो ये क्वांटाइज नहीं, क्वांटाइज कौन है ना, ये क्वांटाइज है जहां पे एक होल नंबर वाली बात आ रहा है, समझे बात को? जहां पे क्या एक होल नंबर वाली बात आ रहा है, तो ये क्वांटाइज है। बोलने का मतलब क्या है, अगर मेरे को ये पूछा जाए, और मैं एग्जाम्पल ये दे सकता हूँ आपको, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मेरे क्लास में आज मान लीजिए 10 बच्चे थे, मैं बोल सकता हूँ तुमको, या फिर मैं तुमको बोल सकता हूँ मेरे क्लास में आज क्या है कि 15 बच्चे थे, मैं बोल सकता हूँ, मैं तुम्हें ये बोल सकता हूँ कि मेरे क्लास में 30 बच्चे थे, लेकिन मैं कभी तुमको ये बोल पाऊंगा क्या मेरे क्लास में 10.5 बच्चे थे? इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब ही कुछ नहीं। मतलब ये हो रहा है कि मेरे क्लास में 10 बच्चे थे और 1 बच्चे का आधा था, सर था, तो नहीं होगा ना, पॉसिबल तो नहीं है ना, बात समझे आप लोग? तो बात क्या आ रहा है कि आपको एक होल नंबर बोलना पड़ेगा। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं, मैं आप आज मैंने अपनी क्लास में 1 चैप्टर पूरा पढ़ा दिया, 2 चैप्टर पूरा पढ़ा दिया, या फिर मैं बोलूंगा नहीं आज बस मैं आधा चैप्टर पढ़ा है, आधा टॉपिक मैंने पढ़ा है, ये बोल सकता हूं। तो देखिए जहां पे होल नंबर वाली बात आ रहा है ना, वहां पे क्या है ना, क्वांटाइज वाली बात आ रही है, क्वांटाइज वाली बात आएगा कि होल नंबर होता है। तो उसी के हिसाब से क्या होगा, अगर हम लोग आगे चले, अगर हम लोग आगे चले तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर ये क्या होगा, अगर देखिए नेक्स्ट पेज में आपको दिखा रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, सोर्स से यहाँ से एनर्जी एमिट हो रहा है, 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 तो क्या होगा ना, एच न्यू एनर्जी एमिट हो सकता है, या फिर 2 एच न्यू एनर्जी एमिट हो सकता है, या फिर 3 एच न्यू एनर्जी हो सकता है, या फिर HNH एमिट एनर्जी एमिट हो सकता है। ये होता है बात कि एक होल नंबर पे क्या होगा ना, एनर्जी एमिट होगा। तो फिर बात क्या है कि अगर मैं इसे बोलूं कि मैं अगर बोलूं क्या बोलूं कि मैं 1 फोटोन के लिए एनर्जी निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा यार क्या लिखूंगा, E क्या होता है ना, H न्यू होता है। अगर मैं बोलूं N नंबर ऑफ, तो E क्या आएगा, NH न्यू होता है, N नंबर ऑफ फोटॉन्स, N नंबर ऑफ, अरे तू कुछ भी ले सकता है रे, दुखी मत, N के बदले 1 2 3 4 कुछ भी ले सकता है, तो इसके लिए दुखी मत। तो कुछ भी आप लोग क्या लिख सकते हो ना, इसमें क्या लिख सकते हो, फोटोन से ले, फोटोन नंबर ऑफ फोटोन से ले सकते हो। ये होता है फोटोन ना, एक बस एक एनर्जी पार्टिकल होता है, उसमें कुछ मास नहीं होता है, और उसका जो एनर्जी होता है ये किसके लिए आप लिख, मतलब वो किसके साथ वेरी करेगा, E और H न्यू के साथ वेरी करेगा। अगर आप लोग बोल रहे हो कि सर एनर्जी है, अगर आप लोग मैकेनिकल मैकेनिकल जो क्या है, जो जब क्या होता है ना, जो क्लासिकल जो मैकेनिक्स होता है ना, अगर तुम उसको अप्लाई करोगे तो बोलोगे कि नहीं सर उसमें क्या होता था ना, मास है तो फोर्स है, फोर्स है तो एक्सेलरेशन, सॉरी फोर्स एनर्जी है मतलब फोर्स है, फोर्स है तो मतलब मास है, तो यहाँ पे ऐसे किसे नहीं बनेगा। बस समझो बात को मेरा, अगर तुम्हारे दिमाग में कभी ये वाली बात आए कि सर इसमें तो एनर्जी है ना, तो मतलब सर फोर्स होगा, मैं बोलूँगा हाँ यार फोर्स हो, मतलब फोर्स होगा, तुम बोलोगे, फिर बोलोगे सर फोर्स हो सकता है तो सर इसमें मास भी हो सकता है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मैं बोलूँगा नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो क्या है ना, वो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये क्या है क्वांटम मैकेनिक्स है, समझे बात को? यहाँ पे जो एनर्जी होता है बस फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड, और तो वह वाली जो फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे मत लगाना, समझे बात? चलिए यहाँ तक की कहानी क्लियर हुआ, फिर आगे बात क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा यहाँ तक कहानी क्लियर ना, यहाँ तक की कहानी क्लियर ना आप लोगों को, है कि जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, E = H न्यू बनता है, या फिर E = क्या आएगा, NH न्यू बनेगा। एनर्जी क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, अच्छा मतलब एक होल नंबर की एनर्जी एमिट होगी। फिर नेक्स्ट वाली कहानी क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना बात तो थोड़ा, चलिए ठीक है, फोटो थोड़ा अच्छे से कंसेप्ट है, नींद भी नहीं लग रहा है ना आप लोगों को, हाँ नहीं पढ़ना है तो, हाँ नहीं
अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्या करें। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, देखिए होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है। फोटो वार लग रहा है मतलब लाइट वाले कुछ कंसेप्ट हो रहा होगा दिमाग में, तो ये रहा है। इलेक्ट्रिक मतलब आपको लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ वाली बात हो रही होगी, आयन इफेक्ट है। इफेक्ट क्या बोलते हैं पता नहीं। तो मान लीजिए कोई एक मेटल सरफेस है, सिंपल सी भाषा में बोला जाए कि कोई एक मेटल सरफेस है, ये हर एक की सरफेस में इलेक्ट्रॉन रहता है, हर एक मेटल की सरफेस में इलेक्ट्रॉन रहता है, सबके सरफेस में रहता है आयन। आप लोग क्या किए ना, एक लाइट को इंसिडेंट किए इसके ऊपर, क्या किया आप लोग, एक लाइट को आप लोग इंसिडेंट किए। लाइट का देखो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अपने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम होता है, हर कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब तुम ये मत बोलना कि एक लाइट को लेके आप लोग हर किसी जगह पे अप्लाई कर दोगे, नहीं। हर एक का अपना प्रॉपर्टी होता है, हर एक का अपना दुनिया होता है आईने। तो जब इस लाइट को यहाँ पे डाला गया तो फिर क्या हुआ ना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। कौन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। अगर मैं इसका थोड़ा एक्सपेरिमेंट ट्यूब ड्रॉप करूं, ट्यूब एक मैं ड्रॉ करूं इसका, चलिए ठीक है। अरे यार क्या हुआ, हाँ अभी आया। अगर हम लोग इसका थोड़ा ये ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें ना, हाँ ट्यूब ड्रॉ करें, नहीं बड़ी वाली, बड़ी वाली लाइन आ गई, छोटी वाली लाइन लेना है, क्या लेना है, छोटी वाली लाइन लेना है। एक लोग मान लो कोई ट्यूब है, ऐसे ट्यूब है, ट्यूब है ये से यहाँ से लाइट एमिट होगा, यहाँ से लाइट एंट्री होगा, यहाँ से लाइट एंट्री होगा, और यहाँ पे एक मेटल सरफेस है, ये सर्किट के साथ कनेक्ट हुआ है, जो जो भी बात वाली बात है। जब यहाँ पे लाइट आके इसके ऊपर फॉल होगा, इंसिडेंट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, ये होता है उसका। जब यहाँ पे क्या लाइट का इंसिडेंट होगा तो यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो थोड़ा इतना अच्छे से डायग्राम नहीं बना मेरा, मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से बनाने के लिए डायग्राम को। हाँ यहाँ से, हाँ होल, यहाँ से क्या होगा, लाइट का एंट्री होगा, लाइट एंट्री होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। फिर यहाँ पे मतलब पता चलेगा, यहाँ पे जो क्या होगा, डिटेक्टर लगा हुआ होगा, यहाँ से पता चलता है। तो आपको तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आपको कंसेप्ट समझना है, बात को थोड़ा फील करना है। आपको बात को कैसे फील करोगे, आप लोग समझो बात को, कि बात क्या है ना, जैसे यहाँ पे क्या हुआ ना, लाइट इंसिडेंट हो रहा है, कोई भी लाइट नहीं, मैं आपको बार बोल बोल रहा हूँ, कोई भी लाइट नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है खुद का। लाइट इंसिडेंट हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए ना, यहाँ से निकल गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए। तो जो लाइट इंसिडेंट हुआ और मेटल के सर्फेस से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको आप लोग क्या बोलोगे, कंट्रोल जी, हाँ तो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे ना, ये क्या होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। जो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। आपको पहले मैं बेसिक चीज समझा रहा हूँ, जितना रिक्वायरमेंट मतलब रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट तो आपको हर किसी का है, थोड़ा बेसिक से हम लोग थोड़ा अच्छे लेवल पे जाएंगे। चलिए बात ध्यान रहा, लाइट को क्या करना है, आपको इंसिडेंट करना है लाइट को, पुट अब लाइट को आप लोग इंसिडेंट करना है। लाइट जैसे ही आके फॉल होगा मेटल के सरफेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन वैसे ही निकल जाएंगे। कोई टाइम नहीं लगेगा कि लाइट फॉल होगा, फिर इलेक्ट्रॉन बैठ के सोचेगा अरे यार मुझको जाना है क्या, हाँ ठीक है लाइट दे रहे हैं तो चलो चल जाए, चले जाते हैं, ऐसे नहीं होगा। लाइट फॉल होगा इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, लाइट फॉल होगा इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। तो फिर बात क्या है आगे, क्या मैं आपको बोलूंगा तो आप लोग बोलोगे सर क्या बात है, कैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने एनर्जी देने से जाता है। फाइन कि देखिए बात क्या है ना, हर एक मेटल मतलब हर एक आटम क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होल्ड करके रखता है, अपने फोर्स देके होल्ड करके रखता है, खुद एक एनर्जी देके कुछ है, खुद एक फोर्स देके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। तो इलेक्ट्रॉन तब एक आटम से निकल के जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक आटम से तब निकल के जाएगा जब क्या होगा ना, जितनी फोर्स में उसको होल्ड किया होगा, अगर उससे ज्यादा एनर्जी आप लोग दे रहे हो तब चले जाएगा। सिंपल सी बात है यार, मैं ये इस पेन को पकड़ा हूं, मैं इसको मैं अपने कुछ एक एनर्जी देके इसको पकड़ा होगा ना। अगर आप लोग इसको लेने चाहते हो मेरे से तो आप लोग क्या दोगे ना, मेरा जितना एनर्जी है उससे आप लोग ज्यादा एनर्जी दोगे, तब जाके आप लोग छीन के ले पाओगे ना। हाँ मान लो आप लोग iPhone 10 पकड़ के आप लोग रास्ते में जा रहे हो, चोर आ रहा है आपसे, लेकिन ये तो वो क्या करेगा, आप जितने फोन को आप अपने आईफोन को जितने टाइटली होल्ड किए होंगे उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा।
ताकि वो आपसे छीन के ले पाएंगे, बस उनसे। तो उसे ही बात होता है, जितना एनर्जी में होल्ड किया होगा, जितना फोर्स है उससे ज्यादा एनर्जी अगर हम लोग इलेक्ट प्रोवाइड करेंगे तब जाके वो निकलेगा, बात ही। चलिए आगे की कहानी मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हो ना, 100 जूल के एनर्जी प्रोवाइड किए। कितना दिया आप लोग? 100 जूल के एनर्जी आप लोग प्रोवाइड किए, 100 जूल को मान लीजिए, लेट ऐसे। और उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना जूल का एनर्जी चाहिए? 60 जूल का। 60 जूल का एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये मिनिमम है। मान लो आप लोग कुछ खरीदने गए हो, मान लो आप लोग बिरयानी खाने गए हो, है ना? और क्या है, बिरयानी मान लीजिए एक प्लेट मान लो 150 रुपया का है, चिकन बिरयानी आपका फेवरेट है मान लीजिए, और आपके पास क्या 140 रुपीज है, तो आप लोग बोलोगे तो दे देगा क्या तुम्हें? अगर जाने पहचान नहीं होगा तो नहीं देगा ना। तो मिनिमम आपको 150 रुपीज चाहिए क्या करने के लिए? फिर क्या करने के लिए? आपको क्या है, खाने के लिए, बिरयानी खाने के लिए। और 150 से कम हो रहा है तो नहीं होगा, नहीं चलेगा, नहीं देगा आप। लेकिन अगर आपके पास 200 रुपया प्रेजेंट है तो क्या होगा? आप बिरयानी एक प्लेट खा के और क्या करोगे, चिकन पकौड़ा भी खा लोगे आप लोग? हाँ ही नहीं, बात ही होता है ना, अभी खाने को मन कर रहा है क्या? ठीक है, तो क्या है, देखिए जितना मिनिमम होता है वो तो मिनिमम चाहिए ना। हाँ नहीं, तो 60 जूल उसका मिनिमम एनर्जी है, और आप कितना प्रोवाइड कर रहे हो? 100 जूल प्रोवाइड कर रहे हो। तो अभी दोनों को माइनस कर दो, सबसे को तो कितना आ रहा है ना, 40 जूल आ रहा है। तो ये 40 जूल क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था ना प्रीवियस पेज, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा उसका खुद का एक काइनेटिक एनर्जी होता है। अरे इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब डेफिनेटली कौन है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा फिर वाली बात क्या होता है, यहाँ पे जो लिखे आप लोग 100 जूल जो आप लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, ये क्या है ना, अप्लाइड एनर्जी या फिर इंसिडेंट एनर्जी। कितना एनर्जी आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो लाइट के थ्रू, माइनस जितना मिनिमम चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो क्या होता है ना, वर्क फंक्शन बोलोगे, डब्ल्यू नॉट लिखा जाता है, इक्वल्स टू जितने एनर्जी एक्स्ट्रा बच रहा है उसको आप लोग बोलोगे काइनेटिक एनर्जी। वो भी क्या, मैक्सिमम मैक्सिमम इतना काइनेटिक एनर्जी होगा, उससे ज्यादा नहीं, मिनिमम हो सकता है, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सबका तो उतना एनर्जी होगा तो गारंटी नहीं ना, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ई माइनस डब्ल्यू नोट करो, ई क्या होता है ना, अप्लाइड एनर्जी, डब्ल्यू नोट क्या है, मिनिमम कितना अमाउंट की एनर्जी चाहिए निकालने के लिए, और के क्या होता है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा फिर आगे चलिए, आगे चलिए बार बार बोलो, डब्ल्यू नोट क्या है, ई क्या है ना, अप्लाइड एनर्जी, डब्ल्यू नोट क्या है, मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए। अच्छा ई के बदले में लिख पाऊंगा क्या, एच न्यू लिख पाऊंगा, आप लोग दुखी नहीं हो ना? अरे प्लांक ने बोले थे यार, प्लांक्स ने बोले थे कि ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। अच्छा माइनस वर्क डन इज डब्ल्यू नॉट वर्क फंक्शन है, मतलब जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, वो भी क्या है, एनर्जी। तो इसके बदले में क्या लिखूंगा, एच न्यू नॉट लिखूंगा, एच न्यू नॉट लिखूंगा, इक्वल टू क्या होता है ना, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम आप लोग लिख लेना। यहां से क्या करूंगा, अगर मैं एच कॉमन ला रहा हूं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं हुआ, ठीक है आप लोग अच्छे बच्चे हो, मेरे को माफ कर दोगे। अगर एच को मैं कॉमन ला रहा हूं तो ये क्या बनेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, इक्वल टू कितना आ जाएगा ना, के ई आ जाएगा, के ई मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम इतने एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, होगा बात। किसको कॉमन ले लिया मैंने, एच को कॉमन ले लिया, बोलना मत, अरे ये सिंपल सी बात है, हाँ इसे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है चलिए। तो यहाँ पे आपको और एक चीज क्या, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, हाँ नहीं इसको भूलना मत, एक फॉर्मूला बन रहा है, इसको साम दाम दंड भेद जैसे इसको याद रख लेना इसको, हाँ नहीं। और एक फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान देना दे तू, और एक फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर अह कलर क्या आ रहा है, ये कंट्रोल जेड जेड, हाँ ये वाली कलर, ब्लैक वाली कलर, हाँ। अगर मैं लिखूं एच को एच लिखता हूं, फिर क्या लिखूंगा, अगर मैं सी के बदले पुट कर रहा हूं, सॉरी न्यू के बदले पुट कर रहा हूं सी अपन लैम्बडा, माइनस के बदले पुट कर रहा हूं सी अपन लैम्बडा नॉट, इक्वल टू क्या है, वही सेम चीज, काइनेटिक एनर्जी। ये एक फॉर्मूला बन सकता है, इसको भी तुम याद रखना। तुम पूछोगे सर जरूरी है क्या, मैं बोलूंगा हाँ यार तुझे जरूरी है, क्योंकि पता नहीं यार जो जब एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा वो किसके फॉर्मेट में रहेगा, वो हो सकता है फ्रिक्वेंसी के फॉर्मेट में रहेगा, वो हो सकता है वेवलेंथ के फॉर्मेट में रहेगा। अच्छा और थोड़ी सी बात करनी है,
हाँ आप लोगों से ही बात करनी है यार, मैं तो उस, अरे क्या ये, उस टाइम से मैं जो बात कर रहा था आप लोगों के साथ ही बात कर रहा था ना। हाँ यार चलिए ठीक है, तो बात क्या है, थोड़ा लाइन इतना स्ट्रेट नहीं बन रहा है मेरा, ठीक है आप लोग माफ कर दो, अच्छे बच्चों आप लोग। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ होया, जहाँ पे कि ई क्या है ना, अप्लाइड एनर्जी या फिर इंसिडेंट एनर्जी, अप्लाइड एनर्जी या फिर इंसिडेंट एनर्जी, इतना एनर्जी आपने डाले थे इसके ऊपर। फिर डब्ल्यू नॉट क्या है रे, ना डब्ल्यू नॉट क्या होता है ना, ये है रे वर्क फंक्शन, क्या है रे ये वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन क्या, ये मिनिमम एनर्जी, मिनिमम मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए आपको, एनर्जी टू स्टार्ट, क्या मूवी, नहीं क्या है वर्क, सॉरी टू स्टार्ट क्या ना, वर्क फंक्शन क्या स्टार्ट करना है, वर्क फंक्शन टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पूरा लिखोगे आप लोग। देखिए अभी थोड़ी सी बात क्या रहा है, न्यू नोट क्या है, क्या है न्यू नोट क्या है। अच्छा तो एक तो मार्क करो, तो न्यू नोट मैंने किसके बदले लिखा था, डब्लू नोट के बदले लिखा था ना। हाँ अच्छा डब्लू नोट क्या है, मिनिमम एनर्जी। अरे मैंने कभी आपको बोला था क्या कभी कि एनर्जी जो होता है फ्रिक्वेंसी के साथ डायरेक्टली वेरी करेगा, प्लांक जब पढ़ाया था मैंने, देखिए 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 यहाँ पे देखिए डायरेक्टली वेरी करता है। इसका मतलब बात क्या आ रहा है कि अगर अगर क्या आ रहा है कि एनर्जी मैक्सिमम, अगर एनर्जी ज्यादा है फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा होगा, सिंपल सी भाषा में। अगर एनर्जी कम है, इतनी सी है, छोटी सी है, तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगा, कम होगा। तो बात क्या बनता है यार, ये जो डब्ल्यू नॉट है, सॉरी ये जो न्यू नॉट है, ये फ्रिक्वेंसी है, किसका फ्रिक्वेंसी ना, वर्क फंक्शन का। अच्छा वर्क फंक्शन क्या है ना, मिनिमम एनर्जी। अगर एनर्जी मिनिमम है तो न्यू भी क्या हो जाएगा ना, मिनिमम फ्रिक्वेंसी, ये क्या है ना मिनिमम फ्रिक्वेंसी, ये भी मिनिमम फ्रिक्वेंसी है। क्या करना है आपको ना, किस क्या करने के लिए ना, वर्क फंक्शन को स्टार्ट, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो मिनिमम एनर्जी के लिए फ्रिक्वेंसी भी मिनिमम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं थ्रेस होल्ड फ्रिक्वेंसी, भूलना मत क्या बोलते हैं उसे, थ्रेस होल्ड फ्रिक्वेंसी। तो भाई बात क्या है, तो भाई बात क्या है इसमें कि ये क्या है ना मिनिमम फ्रिक्वेंसी है, ये क्या है ना मिनिमम फ्रिक्वेंसी है टू स्टार्ट क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तुम पूरा लिखना, मैं नहीं लिखूंगा, मेरा दिल नहीं बोल रहा, होगा बात, बात समझे आप लोग, बात समझे ना, पक्का समझे आप लोग। यहीं तक जो था, यहीं जो था बस यहीं तक था। क्या था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो था बस यहीं तक, क्या था ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है आगे चलते हैं, आगे क्या है ना, मतलब मैं थोड़ा आपको इंटेंसिटी के बारे में बोलना है, क्या बोलना है, इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी क्या लिखते हैं उसे, आई लिखते हैं, आई। अच्छा कुछ लाइट ऐसे होते हैं जो, फिर आप लोग कभी देखे होगा कुछ टॉर्च लाइट ऐसे होते हैं जो चार्ज लाइट होते हैं, मतलब उनके एक ऑफ ऑफ बटन होता है, फिर थोड़ा सा स्लाइड करोगे थोड़ा सा जलेगा, और थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो थोड़ा ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ेगा, हाँ नहीं। या फिर आपके फोन में जो ब्राइटनेस होता है, अगर आप लोग ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो तो बात क्या हुआ भाई ना, इंटेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा इंटेंसिटी, ब्राइटनेस थोड़ा घटा रहे हो तो इंटेंसिटी क्या है, कम है। बात समझे, बात समझे आप लोग। तो जब आप लोग ब्राइटनेस को कम किए थे, मतलब इंटेंसिटी कम था, तो आपके पास बहुत कम राइट रेज, रेज लाइट, रेज लाइट, रेज RAYS, बहुत कम लाइट रेज आ रहे थे। अगर आप लोग बढ़ा रहे हो तो बहुत ज्यादा लाइट रेज आ रहे हैं आपके पास, कोई ना बात। अच्छा फिर आप पूछोगे सर ये वाली बात क्या, यहाँ पे बोलना जरूरी था, मैं बोलूंगा हाँ यार जरूरी था, इसलिए तो मैंने तुझे बोला, हर एक चीज जरूरी होता है, जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है और कुछ नहीं, आप लोग जो गाना वाना सुन रहे हो ना, जीने के लिए तू जरूरी है वैसे नहीं होता है, समझे ना, जीने के लिए ऑक्सीजन ही जरूरी होता है, जीने के लिए और कोई जरूरी नहीं होता है, जीने के लिए ऑक्सीजन, पैसा और क्या, खाना वाना वगैरह, पानी वगैरह जरूरी होता है। कहा एक मैंने गाना सुना था, वो बोला कि बस जीने के लिए, जिंदगी के लिए तू ही जरूरी है, नहीं ऐसे नहीं समझे, जीने के लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, मैं आप लोग केमिस्ट्री स्टूडेंट हो, नहीं ये मत भूलना। हाँ फिर बात क्या है, जीने के लिए क्या, जानने के लिए जरूरी क्या होता है ना, देखिए बात क्या होता है, इंटेंसिटी जो होता है ये डायरेक्टली वेरी करता है किसके साथ ना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के साथ, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के साथ, कैसे
मान लो जब लाइट इंसिडेंट हुआ, मान लो इंटेंसिटी कम, मतलब ब्राइटनेस कम है, मान लो एक रे आ रहा, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर आप लोग ब्राइटनेस बढ़ा दिए, 10 रे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे ना। अरे भाई हाँ या नहीं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा निकलेंगे ना। बात बात समझे ना, बात समझे ना आप लोग, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ज्यादा निकलेगा ना। तो बात क्या होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ना, इंटेंसिटी से डायरेक्टली वेरी होगा। अगर तुम ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो, मतलब ज्यादा रेज आके फॉल हो रहे हैं मेटल के ऊपर, ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो, मतलब क्या होगा कि मेटल के ऊपर क्या होगा ना, ज्यादा रेज आके फॉल होंगे, ज्यादा रेज आके फॉल होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या लगेंगे ना, मोर निकलेंगे, बहुत ज्यादा निकलेंगे। तो इससे बात क्या होता है, इससे बात क्या होता है कि अभी मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उससे करंट भी प्रोड्यूस होगा, फोटो फोटो करंट हम लोग बोलेंगे, उससे करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो यहां से मैं अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करके बोलूंगा कि मान ले भाई क्या है कि ना, ये इंटेंसिटी है, क्या है ये, इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी है, मतलब आई है ये, और ये क्या है ना, ये वाला एक्सिस क्या है ना, फोटो करंट से, क्या है, फोटो करंट है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। अभी भी मैंने आपको बोला इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब ब्राइटनेस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे और करंट ज्यादा होगा, तो इसलिए क्या होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये वाली ग्राफ आ जाएगा, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। होगी बात, समझे बात को आप लोग, होगा ना बात, क्लियर ना। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। आगे वाली बात क्या होता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट बात क्या है कि और एक ग्राफ है, और एक ग्राफ है, और एक ग्राफ ग्राफ क्या है, तो रुकिए थोड़ा। हाँ, और एक ग्राफ क्या है, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। तीन एलिमेंट मैंने ले लिया, सोडियम, और यार एक एलिमेंट है पोटेशियम, और एक यार एक एलिमेंट है रुबिडियम। होगा बात, अगर आपको थोड़ा बहुत पीरियड टेबल के ऊपर आइडिया होगा, हाँ नहीं, अगर आप लोग प्योरली 11th क्लास के बच्चे देख रहे हो तो आपको ये वाला अभी बात समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग 11th को छोड़ के हायर लेवल हायर क्लास दिख रहे हो, 12th या फिर बीसी वगैरह, तो आपको ये बात समझ में आएगा जो जो भी मैं बोलना चाहता हूँ। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन तीनों में से सबसे कम फोर्स रुबिडियम में होता है, अट्रैक्शन फोर्स, मतलब जेड इफेक्टिव, मतलब किस किस के बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में सबसे रुबिडियम का कम होता है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है, रुबिडियम है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है, रुबिडियम है। इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या होता है ना, वर्क फंक्शन है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है ये, और यार ये क्या है ना, काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं बोल रहा हूं ना सबसे फोर्स, तो सोडियम पोटेशियम अगर बोला जाए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर जो होता है, ईपी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सबसे किसका है, पोटेशियम का, उससे कम किसका है, सॉरी सबसे ज्यादा किसका है, रुबिडियम का, उससे कम किसका है, पोटेशियम, उससे कम किसका है, सोडियम। तो बात क्या है, पूछोगे सर कहना क्या चाहते हो, सर कहना क्या चाहते हो, कहना मैं ये चाहता हूं तुमसे, कहना मैं तुमसे ये चाहता हूं कि रुबिडियम का इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या है, सबसे ज्यादा है ना, मतलब फोर्स कम होगा ना, तो ये बहुत जल्द निकल देगा इलेक्ट्रॉन को। होगी बात, समझे बात को, मतलब बहुत जल्द निकल रहा है, कम एनर्जी में निकल रहा है, मतलब फ्रिक्वेंसी भी कम होगा। अरे भाई बोला था मैंने यार तुझे अभी कि अगर एनर्जी कम है तो फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाएगा, उससे कम में किसका आएगा ना, पोटेशियम का आएगा, उससे कम में किसका आएगा ना, सोडियम का आएगा, सॉरी सॉरी उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे कम कण निकल रहा है पोटेशियम, एक किसका है, पोटेशियम का, एक किसका है, क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे जल कण निकलेगा, सबसे जल कण निकलेगा ना, सोडियम, सॉरी रुबिडियम, फिर से गलत बोला, ये पोटेशियम के लिए, एक इसके लिए सोडियम के लिए, जिसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव जितना कम होगा, जिसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव जितना कम होगा, वो बहुत लेट में इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। तो रुबिडियम का सबसे ज्यादा, इन तीनों में से ज्यादा है ना, तो ये बहुत जल्द जल्द एमिट कर लेगा। होगा बात, समझे बात को, ये ग्राफ होता है किसके, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ये ग्राफ होता है। फिर चलिए आगे बात देखते हैं क्या होगा, आगे चलिए बात क्या होता है देखते हैं। हाँ, ये वाली बात कहानी, यहां तक कहानी सबको क्लियर ना, यहां तक कहानी सबको क्लियर ना, जैसे ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, जैसे ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ज्यादा होगा,
बहुत जल्द एमिट कर लेंगे और उनका पोटेंशियल भी मतलब वर्क फंक्शन भी कम होता है। इलेक्ट्रॉन को जल छोड़ देता है मतलब एनर्जी कम रिक्वायरमेंट हो रहा होगा, तो वर्क फंक्शन में क्या है, कम ही है, कम ही है। चलिए नेक्स्ट वाली कहानी क्या है, नेक्स्ट वाली कहानी क्या है। अच्छा नेक्स्ट वाली कहानी क्या है, देखिए मैंने आपको बोला था, देखिए मान लो मैं आपको बोल रहा था ना, अभी देखिए क्या होता है ना, जो इंटेंसिटी होता है वो कभी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करेगा, मतलब उनके वजह से कोई रिलेशन नहीं होते। मान लो मैं बोलूंगा मैंने एक रे को प्रोवाइड किया था, हाँ नहीं 100 जूल का एनर्जी मैंने प्रोवाइड किया था, देखो मैं बोला था ना 100 जूल का एनर्जी मैंने प्रोवाइड किया था, 60 जूल होता है उसका वर्क फंक्शन, 40 जूल में काइनेटिक एनर्जी है उसका, देखो बात को। तो एक इंटेंस मतलब बात बात क्या है, मान लीजिए एक इंटेंसिटी को मैंने रेज में मान लेता हूँ, रेज में मान लेता हूँ, मैं रे को लेके आप लोग समझाता हूँ। देखिए एक रे मैंने प्रोवाइड किया, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो कितना जूल में, 40 जूल में। अगर तू 10 रे प्रोवाइड करेगा, अगर तू 10 रे प्रोवाइड कर रहा है, अरे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, हाँ नहीं, और सबका काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, 40 रहेगा, मैक्सिमम क्या होगा, 40 होगा, क्योंकि एनर्जी तो कॉन्स्टेंट है ना, अप्लाइड एनर्जी और जो वर्क फंक्शन वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट है ना। तो इंटेंसिटी बढ़ा है फिर घटा, इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा लॉस होते हैं, मतलब मान लो इनिशियल इलेक्ट्रॉन 5 लॉस हो रहे थे, 5 निकल रहे थे, अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ा दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन काइनेटिक एनर्जी फिक्स है, समझ पा रहे हो बात को, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि अप्लाइड एनर्जी, तुम कितना एनर्जी अप्लाई किए हो और उसका वर्क फंक्शन कितना है, होगा बात ना, बात क्लियर आ रहा है ना। या फिर सिंपल सी भाषा में याद रखना, जो इंटेंसिटी होता है वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं करेगा, कोई रिश्ता नहीं है इनके बीच में, कोई भी रिश्ता नहीं, क्योंकि अगर एक रे से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 10 रे से 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एनर्जी सेम रहेगा सबका, होगा बात। तो मैं अगर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, नहीं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ किसको लेके ना, इंटेंसिटी को लेके और एक काइनेटिक एनर्जी को लेके, ये कांस्टेंट रहेगा रे, भूलना मत इसको, ये कांस्टेंट रहेगा रे, चाहे तो इंटेंसिटी बढ़ाए या फिर घटा, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, अप्लाइड एनर्जी एंड वर्क फंक्शन के ऊपर। अगर एनर्जी ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा एनर्जी में घूमेंगे, लेकिन इंटेंसिटी का काम क्या होता है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बढ़ाएगा लेकिन उनका एनर्जी नहीं बढ़ाएगा। होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा बात है। फिर नेक्स्ट वाली बात क्या होता है, देखो मैंने अभी भी आपको एक डायग्राम ड्रॉ के दिखाया था ना यहाँ पे, कि इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे ऐसे मूव करके जाएंगे, ऐसे मूव करके जाएंगे, हाँ। तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तुम पूछोगे सर ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा हाँ यार इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो बात क्या होता है, देखो जब इलेक्ट्रॉन्स, मैंने यार बोला इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है ना, मूव करके जा रहा है, कहाँ गया, इरेजर, ये शायद इरेजर है, हाँ ये ही इरेजर है। देखो इलेक्ट्रॉन सब क्या हो रहा है ना, मूव करके जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जैसे मूव करके जा रहा है, तो तुम कितना नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करोगे। अरे यार यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा खूबसूरत दिखने के लिए, कुछ नहीं, यहाँ पे फोटो आएगा ना लोगों का, इसलिए थोड़ा नहीं लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे मान लो नेगेटिव रॉड है यहाँ पे, हाँ ही नहीं, यहाँ पे क्या है ना, पॉजिटिव रॉड है, यहाँ पे पॉजिटिव रॉड है, और ऐसे बैटरी कनेक्ट हुआ होगा, ऐसे बैटरी कनेक्ट हुआ होगा, ऐसे बैटरी कनेक्ट हुआ है, हाँ नहीं, प्लस माइनस, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आप लोग माइनस माने हो, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस इसे कनेक्ट हुआ होगा, मान लो वायर इसे कनेक्ट हुआ है, आई कनेक्ट हुआ है ऐसे, तो हम लोग बोल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन ऐसे निकले के यहां से जा रहा है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो जितना नेगेटिव पोटेंशियल आप लोग अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, नेगेटिव पोटेंशियल। फिर तुम पूछोगे सर नेगेटिव पोटेंशियल कुछ दुनिया में होता है क्या, बोलो हाँ होता है, क्या होता है, अरे भाई तूने इसमें माइनस चार्ज लगाया है, माइनस पॉइंट पे लाया है तू इसको, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ई वाले रॉड माइनस हुआ, ई वाले रॉड प्लस हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस होकर इधर से इधर जा रहा है। अगर तो उसको उल्टा बना देगा, मतलब अभी ई माइनस नहीं, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, इनिशियली क्या था ना ई माइनस था, ये प्लस था, अब उसको उल्टा कर दे तो रिवर्स कर दे तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है, समझे बात को, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल बन जाएगा। तो
अगर थोड़ा बात बोले तो क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन जब मूव करके जा रहा होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा होगा, फास्ट जा रहा होगा, तो जितना नेगेटिव पोटेंशियल हम लोग अप्लाई करेंगे, जितना नेगेटिव पोटेंशियल हम लोग अप्लाई करेंगे क्या करने के लिए, जो सबसे फास्ट जा रहा होगा उसको रोकने के लिए। बात समझो, अगर सब मूव करके जा रहे हैं, सब मूव करके जा रहे हैं, तो अगर आप लोग पोटेंशियल दे के सबसे फास्ट को, मतलब जो बहुत जल्द जा रहा होगा, और उसको रोक दे रहे हो, इसका मतलब क्या, जो धीरे धीरे जा रहे होंगे वो ऑलरेडी क्या होंगे, रुक चुके होंगे और मूव नहीं कर रहे होंगे। बात समझे ना, अगर कहाँ पे बहुत बहुत से रे जा रहे हैं, बहुत से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो बहुत फास्ट जा रहा होगा, भाग भाग के जा रहा होगा, और तुम उसको अपोज करके रुकवा दिए, अगर वो रुक गया तुम्हारे पोटेंशियल की वजह से, इसका मतलब क्या है कि बाकी सब भी रुक गए होंगे। हाँ, तो जो सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको हमको क्या करना है, रोकना है, स्टॉप करना है, उसको रोकना है। तो जितना हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। तो नेगेटिव पोटेंशियल को अप्लाई करके मतलब आप लोग चेंज कर दोगे, कनेक्शन चेंज कर दोगे। तो इसके लिए यार एक ग्राफ है, ग्राफ मैं से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा लाइन ठीक से डायग्राम नहीं आ रहा है, थोड़ा डायग्राम इतना क्लियरली नहीं आ रहा है। देखो ध्यान दो बात पे, देखो मैं इससे लाइन ड्रॉ करके ले रहा हूँ, इससे ला के ड्रॉ करके ले रहा हूँ, इसे चला मैंने, मान लीजिए इसे कोई लाइन ड्रॉ हो रहा है, थोड़ा मैं अच्छे से खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, कि दुनिया में हर कोई चाहता है ना खूबसूरत दिखने के लिए, हाँ आप लोग भी चाहते हो ना खूबसूरत दिखने के लिए, ऐसे कोई। और एक क्या है ना इससे है यार, क्या है ना इससे है, और एक क्या है ना इससे करे, मान लो ये I1 इंटेंसिटी है और क्या है ना I2 इंटेंसिटी, जो कि क्या है ना 2I1 है, मतलब इसके बराबर 2 टाइम्स है, ऐसे इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है। तो यहाँ पे क्या है ना, जीरो पोटेंशियल है, यहाँ पे क्या है ना, ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, इसे पोटेंशियल मूव करके जा रहा है, पोटेंशियल है, ये क्या है ना नेगेटिव पोटेंशियल है, आप लोग मान लो, आप लोग समझो बात को। तो इस पॉइंट, जो पॉइंट है जहां पे क्या हो रहा है ना, ये देखिए ये क्या है, ये क्या है ना, ये इनका काइनेटिक एनर्जी है, हाँ ये इनका क्या होता है, हाँ इनका क्या है ना करंट है, फिर एनर्जी है, देखो आप लोग बोल सकते हो, आप लोग यहाँ पे क्या हो रहा है ना, रुकिए थोड़ा, हाँ ये क्या है ना इलेक्ट्रिक करंट है, देखिए आप लोग इसको रोक दिए, जहां पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक करंट है, मान लो सिंपल सी भाषा में बात से, आओ बार बार गलत हो जा रहा है, माफ करना, ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पोटेंशियल वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और ये करंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब अभी करंट क्या है, फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी बंद हो गया होगा। अरे भाई करंट का फ्लो होना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ना, हाँ ना बात को, तो अगर करंट फ्लो हो नहीं हो रहा है मतलब क्या, कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होना बंद हो गया होगा। फिर नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो इस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे ना, वी एस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वी एस, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन और फ्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और फ्लो धन नहीं हो रहा है, मतलब रुक जाएगा। अच्छा आपको फॉर्मूला कभी पता है क्या, आपको कभी फॉर्मूला पता है क्या, कि जो क्या होता है डब्ल्यू इक्वल्स, आपको तो कहीं पता है, क्यू वी पता है, डब्ल्यू इक्वल क्यू पता है आपको, तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या होता है वाक, क्यू क्या होता है चार्ज, वी कहते क्या पोटेंशियल। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, इसको काइनेटिक एनर्जी कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसलिए उसका एनर्जी को आप लोग काइनेटिक एनर्जी मान लो, इक्वल्स टू ई क्यू, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ई वी, यहाँ पे क्या है ना वी एस, क्या यहाँ पे ना वी एस, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे अगर आप लोग आओगे, यहाँ पे अगर आओगे तो मैं लिखूंगा वी एस इक्वल टू क्या लिखूंगा ना के ई अपन क्या लिखूंगा ई लिखूंगा, ये क्या होता है ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी देखो यहां से हमको एक बात मिलता है रे, क्या बात मिलता है हमको ना, बात हमको क्या मिलता है ना, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये डायरेक्टली वेरी करेगा काइनेटिक एनर्जी के साथ। आप लोग थोड़ा बात को प्रैक्टिकली सोचो, जो जितना फास्ट जा रहा होगा, जो जितना फास्ट जा रहा होगा उसको रोकने के लिए पोटेंशियल भी तो, नेगेटिव पोटेंशियल भी तो उतना ज्यादा होगा ना, हाँ है ना, फास्ट जा रहा है
उसको रोकने के लिए उतना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करो, नेगेटिव पोटेंशियल उतना ज्यादा अप्लाई करो, मतलब ग्राफ क्या होगा इसके, यहाँ पे चले जाएगा। तो जो इतना फास्ट जा रहा है तो उसका डेफिनेटली उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और हम लोग अभी भी बोले क्या है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब उसको रोकने के लिए पोटेंशियल भी क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, होगा बात क्लियर ही बात। तो इसलिए क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए बात क्या आता है ना जो वीएस होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है न्यू के साथ ही होता है। ये सारी बात को आपको भूलना नहीं, समझे बात को, ये सब बात होते हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जो भी है आप लोग पढ़ना है इसको, डाउट होगा तो और एक बार देखना, और भी कुछ ज्यादा हो रहा है तो हमको ईमेल करना, समझे बात को, ठीक है, थैंक यू, टाटा सबको।